पुट करें 0, तो डिस्क के सेंटर में भी आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? शेल्स इंपॉर्टेंट हैं, शेल्स एंड स्फीयर। एक शेल अंदर से हॉलो, कैपिटल आर, रेडियस स्मॉल आर, डिस्टेंस पे ई का फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था, मुझे वी निकालना है। बहुत आसान है, ई इज माइनस डी वी बाई डी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई, ई की वैल्यू पुट करो, और चार्ज कहां से कहां लेके आते हैं इस पे, इंफिनिटी से, तो पोटेंशियल जीरो से वी। जब पोटेंशियल जीरो है तो डिस्टेंस इंफिनिटी है, आर डिस्टेंस पे हमने पोटेंशियल निकालना है कितना, वी, तो लिमिट इंफिनिटी से आर, जीरो से वी, तो ये वी हो जाएगा माइनस वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसकी इंटीग्रेशन आर की पावर माइनस टू की आर की पावर माइनस वन बाय माइनस वन, तो यहां से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा वन बाय आर, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, वन बाय इन्फिनिटी जीरो होता है। आंसर वही आ गया जो हम चाहते थे, हमें याद ना करना पड़े, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय स्मॉल आर। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्लियर है यहां तक? तो अब हमें अगर सरफेस पे वी निकालना है, स्मॉल आर की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, कैपिटल आर, और अगर इनसाइड निकालना है शेल के अंदर, शेल के अंदर ई क्या होता था, जीरो, जीरो इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, तो अगर ये वैल्यू जीरो है तो वी शुड बी ए कॉन्स्टेंट, क्योंकि कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, जीरो, वी जीरो नहीं होता शेल के अंदर, वी कॉन्स्टेंट होता है, तो सेम होता है, और किसके इक्वल होता है कॉन्स्टेंट, जितना उसके सरफेस के ऊपर वी होता है, सरफेस पे जो वी होता है वही उसके अंदर भी, कोई मर्जी पॉइंट ले लो वी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, शेल के अंदर ई जीरो है लेकिन वी कॉन्स्टेंट है, और कितना, जितना उसकी सरफेस के ऊपर है, तो सरफेस के ऊपर और अंदर वी की वैल्यू रिमेन्स सेम, ये चेंज नहीं होती। ये तीन फॉर्मूलाज क्लियर हैं, रिवाइज करवाने के लिए हमेशा की तरह जैसे मैंने फिगर बनाई थी सेम। तो अगर ये आपके पास क्या है, शेल है, इस शेल से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर वी निकालना है तो ये फॉर्मूला, सरफेस पे निकालना है तो ये फॉर्मूला, इनसाइड निकालना है तो भी सेम फॉर्मूला। फॉर्मूला क्लियर? कभी कभी ऑब्जेक्टिव को सिग्मा की फॉर्म में दिया जाता है, तो चार्ज सिग्मा का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, शेल के एरिया से मल्टीप्लाई किया इतना चार्ज टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस क्यू को यहां पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिग्मा की फॉर्म में वी आ गया, ऐसी यहां पर पुट करेंगे, सिग्मा की फॉर्म में वी आ गया, इसमें और इसमें तो एग्जैक्टली सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं। तो सिग्मा के बिना और सिग्मा के साथ वी का फॉर्मूला क्लियर है, ठीक, टेस्ट के लिए याद रखना, क्वेश्चन आएगा। ग्राफ आता है बहुत ज्यादा, ये मार्क करना, शेल के अंदर वी सेम होता है, शेल के इनसाइड वी सेम है, और बाहर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर होता है। शेल के ऊपर अंदर या सरफेस तक वी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय बड़ा आर, और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो ये ग्राफ टिक करना है आपने, अगर वी और आर का ग्राफ प्लॉट करने को आएगा, कोई डाउट इसमें? ई के ग्राफ मैंने उसमें ड्रॉ करके दिए थे, वी का ग्राफ इसमें ड्रॉ करके दे रहा हूं, और आएंगे पक्का कोई ना कोई कॉम्पिटिशन में, पक्का मार्क करने को आएंगे, कोई डाउट इसमें?